हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कोल्लम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्टेशनरी के शॉप के बैनर का डिजाइन। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और घंटे के बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कभी भी हम साइज लेते हैं तो क्या करते हैं, 92 और अभी 24 का साइज है इंचेस में। तो ये देखो, मैं देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इंटर देता हूँ। तो देखो, इतना बड़ा साइज बनता है। तो हम इसमें डिजाइन करते हैं, तो अभी इसमें डिजाइन करेंगे तो फाइल बहुत हेवी हो जाती है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे, 9.2 और 2.4 करेंगे। ये देखो इस तरह से। तो इतनी छोटी साइज में हमें डिजाइन करना है ताकि हमें स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखो दोस्तों, फिर यहाँ पे लॉक करना है और जब हमें बड़ा करना है तो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ। ये देखो, खुद ब खुद ऊपर 92 आ जाता है। तो इस तरह से ये एक ट्रिक की समझो दोस्तों। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही डिजाइन आपको बना के दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहे। ये देखो दोस्तों, मेन्यू फाइल में ये सब लिखे रखा है, नाम क्या क्या यहाँ पे डालने का है और कैसे मैंने उसको डिजाइन किया था, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो दोस्तों, इस नाम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोलिंग करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइटल केस करता हूँ इस तरह से। फिर यहाँ से मैं कोई भी राइटिंग का फॉन्ट लेता हूँ, राइटिंग लिपि वाला। ये देखो इस तरह से कर्सिव फॉन्ट लिया मैंने। और फिर ये नाम को मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, उसे बोल्ड करता हूँ इस तरह से। देखो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखना। ये देखो इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, आप ये 12 भी दबा सकते हैं और ओके किया इस तरह से। कि दोस्तों, बहुत आसान है। लेफ्ट की से माउस से लेफ्ट की से खींचा और राइट की प्रेस किया, कॉपी हो गया। फिर शिफ्ट पेज डाउन किया, नीचे गया ग्रे वाला। ये देखो दोस्तों, वापस बताता हूँ। माउस के लेफ्ट की से खींचना है, राइट की प्रेस करना है, ब्लू पे राइट और लेफ्ट की प्रेस किया और शिफ्ट पेज डाउन दबाया। फिर दोनों को सिलेक्ट करके क्या करने का है, हमें ब्लेंड वाला ऑप्शन जो है, इफेक्ट में जाके ब्लेंड वाला ऑप्शन ओपन करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। बहुत आसान है दोस्तों। अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस तरह से हमें करना है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा बैकग्राउंड लिया था मैंने। ये देखो दोस्तों, डिजाइनर के लिए स्टॉक बहुत जरूरी है, स्टॉक करके रखना, क्योंकि वक्त पे हमें गूगल पे HD इमेजेस मिलती नहीं है। ये देखो, ये बैकग्राउंड लिया था मैंने, इसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस तरह से और मैं शॉर्ट की से पावर क्लिप करता हूँ। आप यहाँ से भी पावर क्लिप कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ से भी पावर क्लिप कर सकते हैं दोस्तों। और पावर क्लिप के शॉर्टकट्स कैसे बनाना और किस तरह से पावर क्लिप यूज करना, इसका वीडियो ऊपर आई बटन में देख लो दोस्तों, उसमें मैंने सब डिटेल में बताया है। ये देखो दोस्तों, इस तरह से मैं इसे बैकग्राउंड को सेट करता हूँ। ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं। पहले वाले डिजाइन में इसको उल्टा लिया था मैंने, विग्नेट को, ये सॉरी बैकग्राउंड को। ये देखो दोस्तों, अभी नंबर लिया है। ये देखो दोस्तों, इस तरह से मैंने इसे बॉक्स डाला। सेम पेज अप करूंगा, अभी इस तरह से नंबर को सिलेक्ट करके ऊपर आ गया, व्हाइट कलर देता हूँ। कभी भी डार्क पे लाइट या लाइट पे डार्क दिखता है। ये देखो, सेम टूल लेता हूँ और कंट्रोल दबा के यहाँ से इसे ये करता हूँ कॉर्नर। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, चारों कोनों भी कर सकते हैं। अभी दोनों को सिलेक्ट करके आर दबाया, छोटे बॉक्स को और बैकग्राउंड को। अभी शिफ्ट दबा के इसको बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा अंदर लिखा हूँ ताकि कट ना हो जाए पेस्टिंग में। ये देखो इस तरह से। अभी मैं क्या करता हूँ, ये सही दाग लेता हूँ, शिफ्ट के साथ बैकग्राउंड सिलेक्ट करता हूँ। दोनों को सिलेक्ट हो गया, अभी सीधा बताऊँ, ये
सी का सेंटर का कमांड ऑपरेट होने से पहले अपना कीबोर्ड का जो स्क्रॉल अप का बटन है वो अब चाहिए। ये देखो दोस्तों, F12 भी दबा सकते हैं आप आउटलाइन के लिए। ये दोनों क्लिक होना जरूरी है। ये देखो इस तरह से, ये देखो दोस्तों आउटलाइन का ये दोनों क्लिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम डिजाइन बड़ा करते हैं तो उसके साथ स्केल विथ इमेज होता है, वो तो उसका आउटलाइन भी बढ़ता है। ये देखो दोस्तों, मैं अभी ये लेता हूँ, ई बुक्स लेता हूँ इस तरह से। ये कैसे लिया था ये भी दिखाऊंगा, अभी गूगल से लिया था। किस तरह से PNG में ढूंढने का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने डाला था, क्लासमेट का नोटबुक है वो कंपनी का, उसका नाम डाला था मैंने। ये देखो इस तरह से PNG डाला आगे। ये देखो यहाँ पे मैंने ये सर्च हुआ था, इसको सेवेज करना था, सेवेज किया, क्योंकि PNG कॉपी नहीं करने का, फिर वो बैकग्राउंड के साथ आएगा वाइट, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए PNG का, तो सेवेज करना जरूरी होता है। फिर सेव टूल से मैंने उसे इस तरह से किया। अभी मैं शिफ्ट दबा के इसे छोटा करता हूँ। ये देखो दोस्तों इस तरह से मैंने उसे किया था। ओके अभी मैं डिलीट करता हूँ। पेन को भी वैसे ही लिया था, दिखाने की जरूरत नहीं, इतना तो आप समझ जाएंगे दोस्तों, बहुत आसान है। अभी मैं सबको एक साथ सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ छोटा करता हूँ, और यहाँ से मैं पावर क्लिक करता हूँ यहाँ से। ओके दोस्तों, ये देखो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लिया, थोड़ा सा बड़ा किया, छोटा बड़ा आपके हिसाब से कर लो शिफ्ट दबा के करने का, और थोड़ा बहुत ठीक कर सकते, कोई बात नहीं। फॉन्ट भी कभी कभी कंडेंस भी रहते हैं, एक्सपांड भी रहते हैं, कोई बात नहीं। और आपको लगे कि ये ज़्यादा ये दब गया है, पहले जैसा चाहिए, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं इस तरह से। ओके बहुत आसान है दोस्तों, ध्यान से देखना। ये देखो इस तरह से आप डायरेक्शन भी बदल सकते हैं शेडिंग का, 3D का। ये देखो या ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी रख सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। मैं नॉर्मल रखूंगा इस तरह से, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ ताकि अच्छा लगे, वैसे तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, ये डिजाइन के रूप की खिलाफ है, लेकिन कभी कभी मतलब अच्छा दिखता होगा तो करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई कोई फॉन्ट कंडेंस रहते हैं, उसको करना जरूरी होता है। ये देखो दोस्तों, तो शिफ्ट दबा के मैंने राइट क्लिक प्रेस किया। ये देखो अभी करता हूँ, अंदर दबा के राइट की प्रेस किया, कॉपी पेस्ट हो गया वो, पीछे वाले को ब्लू कलर दिया। अभी ये वाला मैं शॉर्ट की से अंदर डालता हूँ, एंड Alt+W मेरा पावर क्लिप का शॉर्ट की मैंने बनाया है, आपको बताया है, मैंने वीडियो दिया है पहले ही आई बटन में बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो जाके देख लो, उसमें सब दिया है, शॉर्टकट कैसे बनाने का, क्या कैसे करने का सब दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको डिजाइन करना है। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको लेफ्ट की से खींचा माउस की, और राइट की प्रेस किया, और भी शॉर्ट की से पावर क्लिक किया, इसमें यही बैकग्राउंड गया। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया डिजाइन आपके सामने बन के रेडी है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इस नाम को थोड़ा सा भी इधर लेता हूँ, इसके ऊपर आ गया था। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही अच्छा डिजाइन बन के आपके सामने रेडी है, तो आशा रखता हूँ अगर तो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। ये देखो दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते अपने हिसाब से, जो आंखों को अच्छा लगे वो। ये देखो इस तरह से मैं Shift F2 दबाता हूँ, और फिर F9 करता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे विकनेट देता हूँ इस टूल से, ये देखो डार्क ब्राउन।
दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटे के बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय दोस्तों।